दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का रिज्यूम अपने फोन से बनाना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वॉच करिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल से रिज्यूम किस तरीके से बनाया जाता है तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों रिज्यूम बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया डाउनलोड करने, करने के बाद में सिंपली आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल एड कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं मेरा नाम लिख देता हूँ जैसे यहाँ पर मेरा नाम है मोहित तोमर तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहित तोमर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है नाम लिखने के बाद में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस ऐड कर देना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एड अच्छे से एड्रेस अपना जो है एड्रेस अच्छे से ऐड कर देना है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ अग्रवाल कॉलोनी सेक्टर नंबर सेक्टर सेक्टर नंबर चार दिल्ली यहाँ पर दोस्तों मैं ऐसे ही यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको अपना एड्रेस पूरा अच्छे से लिख देना है एड्रेस लिखने के बाद में यहाँ पर आपको अपना ई डाल देना है दोस्तों यहाँ पर मेरा ई एड्रेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको भी दोस्तों अच्छे से अपना जो है ईमेल एड्रेस लिख देना है यहाँ पर मैं फटाफट ऐड कर रहा हूँ उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालना है जो भी दोस्तों आपका फ़ोन नंबर है आपको यहाँ पर, तो पर, पर, पर ऐड तो कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर मैं ऐड कर देता हूँ फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है फ़ोटो पे दोस्तों यहाँ पर अगर आपको अपना फोटो ऐड करना है रिज्यूम में तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी फोटो ऐड कर देना है अगर आप ऐड करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर मैं रिज्यूम में फोटो भी ऐड कर देता हूँ ऐड करने के लिए दोस्तों आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर आपको राइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करना है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हमने यहाँ पर हमारा नाम भी लिख दिया एड्रेस भी लिख दिया ईमेल भी लिख दिया फोन नंबर भी लिख दिया और यहाँ पर, पर हमारा फोटो भी हमने ऐड कर दिया उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है सेव पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा एजुकेशन तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको एजुकेशन पर क्लिक करना है उसके बाद में दोस्तों आपने जो भी डिग्री करके रखी है उसका सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिख देना है जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीकॉम यहाँ पर हमारे हमने हमारी डिग्री का नाम लिख दिया उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जिस भी स्कूल यूनिवर्सिटी से आपने करी है उसका यहाँ पर नाम लिख देना है जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम एच कॉलेज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम एच कॉलेज एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ उसके बाद में यहाँ पर जितना भी आपका ग्रेड आया था स्कोर आपको लिख देना जैसे यहाँ पर मैं सेवेंटी फाइव परसेंट लिख देता हूँ उसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर लिखना है कौन से ईयर में आपने करी थी तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दो हज़ार चार दोस्तों यहाँ पर हमने हमारी डिग्री एड कर दी उसके बाद में यहाँ आप पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है सेव पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर पर्सनल डिटेल भी एड कर दी एजुकेशन भी एड कर दिया अब यहाँ पर एक्सपीरियंस भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी एड कर सकते हो तो दोस्तों एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी कंपनी में अगर आपने काम कर रखा है तो आप यहाँ पर बता सकते हो जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर महिंद्रा कंपनी में पहले काम किया था तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ महेंद्रा महिंद्रा कंपनी यहाँ पर दोस्तों अगर आपने आपको एक्सपीरियंस है काम किया हुआ तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर नहीं है तो दोस्तों छोड़ देना है आपको उसके बाद में यहाँ पर जॉब क्या करते थे आप तो यहाँ आप पर आपको जॉब का नाम लिख देते हैं जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑपरेटर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपने कब जो जॉब मतलब कि ज्वाइन करी थी उसके बाद में कब आपकी जॉब एंड हुई यहाँ पर आपको तारीख डाल देना है तो दोस्तों so, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको आपको अच्छे से लिख देना है उसके बाद में यहाँ पर आपको डिटेल लिख देना है कुछ भी आपको बताना हो तो यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हम इसको भी सेव कर देते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको स्किल से देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपको स्किल स्किल पे ऐड करना है तो स्किल पे क्लिक करना है तो दोस्तों यहाँ पर स्किल्स आप लिख सकते हो जैसे यहाँ पर आप लिखते हो तो कंप्यूटर अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप कंप्यूटर लिख सकते हो जो भी आप में स्किल है आपको यहाँ पर ऐड कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर हमने चार चीज़ ऐड कर दिए इसके बाद में ऑब्जेक्टिव रेफरेंस और आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो आपको कर देना है अगर नहीं करना चाहते हो छोड़ देना है उसके बाद में यहाँ पर व्यू सीवी पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पर देखने को मिल तो जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिज्यूम्स के यहाँ पर टेंप्लेट देखने को मिल जाएंगे जो भी दोस्तों आपको पसंद है सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से तो दोस्तों यहाँ से मैं ये वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों पाँच मिनट आपको वेट करना है तो आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पर रिज्यूम देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर देख सकते हो आप जैसे मैं यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपको अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे जो भी दोस्तों आपको पसंद आ रहा है सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर मैं डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करूंगा डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद होगी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब